एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल फार्मा आलोक पे। कुत्ता काटे तो क्या करें, तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि यदि आपके कुत्ता काट ले तो हमें क्या करना चाहिए। इंजेक्शन लगवाना चाहिए, और अगर लगवाना चाहिए तो कब लगवाना चाहिए, क्या ये आपको जानलेवा भी हो सकता है, तो इस वीडियो में हम मोस्टली यही चीज़ जानेंगे। दोस्तों, कुत्ता घरेलू, आवारा या जंगली कुत्ता आपके काट सकता है। कुत्ते के काटने से रेबीज़ का इन्फेक्शन हो सकता है। ये एक वायरस होता है जो कि कुत्ते में मौजूद होता है। जब मनुष्य के शरीर में जब कुत्ता अटैक करता है, जब उसके काटता है, तो उसके लार के थ्रू जो ये रेबीज़ का वायरस है, ये इंसान के शरीर के अंदर एंटर कर जाता है। अगर आपके घर में पालतू कुत्ता है तो उसकी रेबीज़ के इंजेक्शन समय समय पर लगवाना चाहिए, जिससे कि इन्फेक्शन का ख़तरा कम रहता है। अगर आपको आवारा कुत्ते ने काट लिया है तो इस पर थोड़ा गौर करना चाहिए कि कहीं वो कुत्ता पागल तो नहीं है, शरीर उसके मुंह से लार तो नहीं टपक रही है, या तो फिर वह अजीब बिहेव या अजीब हरकतें तो नहीं कर रहा था, क्योंकि ऐसे कुत्तों में रेबीज़ का इन्फेक्शन पाया जाता है। कुत्ते के काटने के बाद सबसे ज़्यादा खतरा घाव के इन्फेक्शन का रहता है। जहाँ तक बात रेबीज़ वायरस की है, तो ये इन्फेक्टेड जानवरों की लार घाव से साथ सीधे संपर्क में आती है। रेबीज़ इन्फेक्शन के लक्षण फ्लू के समान हो सकते हैं, जिसमें कमजोरी, बेचैनी, बुखार या फिर सिर दर्द की समस्या हो सकती है। काटने वाली जगह पर चुभन या खुजली बनी रहती है। कुत्ते के काटने के बाद जल्द ही फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार लेना जरूरी है। यदि काटे हुए स्थान पर घाव नहीं है तो उस हिस्से पर गर्म पानी साबुन से धो लें। चलिए जान लेते हैं, यदि किसी को कुत्ते ने काट लिया है तो फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। सबसे पहले घाव को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। अगर घाव ज़्यादा है और उसमें ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए ड्रेसिंग कर सकते हैं। आप घाव को साफ़ कपड़े या ड्रेसिंग से थोड़ी देर तक दबाकर भी रख सकते हैं। थोड़ी देर बाद ब्लीडिंग जो है अपने आप रुक जाएगी। घाव को धुलने के लिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई एंटीबायोटिक क्रीम पड़ी है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपको किसी भी मेडिकल शॉप से कोई भी एंटीबायोटिक क्रीम लेके उस घाव पर लगा देना चाहिए, जिससे कि इन्फेक्शन का ख़तरा कम हो जाता है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि यदि घाव ज़्यादा बड़ा है तो घाव पर टांके नहीं लगवाने चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को घाव को देखने की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के बाद आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और आपको पूरी बात डॉक्टर से बतानी चाहिए। आपको बताना चाहिए कि कुत्ता पालतू था, कि कुत्ता आवारा था, कि वह कुत्ता पागल था। कुत्ते को किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं थी, ये काफ़ी चीज़ें आपको डॉक्टर को बतानी चाहिए। डॉक्टर डायग्नोस के बाद आपको रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाने की सलाह देते हैं। कुत्ते के काटने के 8 घंटे के अंदर अंदर रेबीज़ का इंजेक्शन लग जाना चाहिए। सो दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरी नई नई वीडियो के नए नए अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल यानी फार्मा आलोक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।